हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पोके ट्रेनर के एक नए वीडियो में। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेट पासिस के बारे में, मतलब रेट पासिस का जो नया अपडेट आया है वो भी बताने वाला हूँ। एंड गाइज, रेट पासिस को आपको अभी से क्यों कलेक्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है गाइज। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जुलाई या अगस्त, ये दो मंथ के बीच में आने वाला है पोकेमोन गो का एक इवेंट जो है गोफेस्ट। तो गोफेस्ट हर साल पोकेमोन गो में होता है, तो इस साल भी गोफेस्ट पोकेमोन गो में होने वाला है। तो गाइस, गोफेस्ट में स्पेशली होता क्या है? देखो, वहां पर बहुत आपको लेजेंडरी पोकेमोन्स मिलेगा थ्रू रेड। रेड से आपको बहुत अच्छा अच्छा लेजेंडरी पोकेमोन्स मिलेगा, स्पेशली आर्मर्ड म्यूटू। बहुत लोगों का यही कमेंट था कि भाई आर्मर्ड म्यूटू क्या आ सकता है। हाँ गाइज, एक पॉसिबिलिटीज है कि गो फेस्ट में आर्मर्ड म्यूटू आ सकता है। अभी वो फाइव स्टार रेड में आएगा या मेगा रेड में आएगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन जो मुझे लगता है वो फाइव स्टार रेड में ही आएगा। लेकिन अगर आप आर्मर्ड म्यूटू को भी छोड़ दो, फिर भी जो पोकेमोन्स आपको लेजेंडरी मिलेगा गो फेस्ट में वो कुछ अलग ही होगा, एंड वो कुछ अच्छा पोकेमोन्स होगा जहां पर आपको शाइनी भी मिलने का चांस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो जो रेड होने वाला है वो एक इवेंट के थ्रू होगा और गो फेस्ट एक बहुत बड़ा इवेंट है पोकेमोन गो में। तो गाइस, उसके लिए आपको अभी से रेट पासेस को कलेक्ट करके रखना है। टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा रेट पासेस को आपको कैसे कलेक्ट करना है, एंड अपडेट के बाद क्या क्या नया चेंजेस आया है सब कुछ ये वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइज, वीडियो को देखते रहो। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल नोटिफिकेशन में प्रेस कर देना। एंड गाइज, आज का वीडियो में आप सभी को लाइक करना है। अगर आप एक सच्चे लेजेंडरी पोकेमोन लवर हो तो गाइज आपको लाइक जरूर करना है। आप एक लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ गाइज आप एक लेजेंडरी लवर हो। तो मतलब जितने भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है गाइज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें रेड पासेस मिलता है शॉप में, आप लोग एक बार देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिमोट रेड पास, एक सिंगल का प्राइस है 100 पोके कॉइन्स। थ्री रिमोट रेड पास का जो प्राइस है वो है 300 पोके कॉइन्स, एंड जो प्रीमियम बैटल पास हमें मिलता है उसका जो कॉस्ट है वो है 100 पोके कॉइन्स। अभी गाइज एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिमोट रेड पास कब हम यूज करते हैं, ठीक है? रिमोट रेड पास हम क्यों यूज करते हैं एंड कब हमें ये इंपॉर्टेंट लगता है? तो गाइज आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो एक रेड हो रहा है। रुको गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक रेड हो रहा है। जो रेड है जो ये देखो, ये जो रेड आप देख पा रहे हो ये है मेगा एल्कजम का रेड। तो गाइज अभी मैं इसमें क्लिक करने वाला हूँ, मतलब जिम के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। तो गाइज क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा होगा, जब आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग अ रिमोट रेड पास। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप मान लो कि कहीं एक लोकेशन में हो, घर में हो, तो अगर जिम बहुत दूर है आपके घर से, तो आप एक काम कर सकते हो, रिमोट रेड पास से आप वो जिम में बैटल कर सकते हो। अभी गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ अपडेट क्या है, ठीक है? तो फिर से हमें जाना पड़ेगा कहाँ, शॉप में जाना पड़ेगा। तो गाइज चलो शॉप में जाते। तो शॉप में जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है, या देख सकते हो रिमोट रेड पास प्राइस कितना है, प्राइस है 100। तो गाइज ये मंथ में जब अपडेट आएगा, तो अपडेट आने के बाद ये प्राइस होने वाला है 195। थ्री जो रिमोट रेट पास है उसका प्राइस होने वाला है 525, मतलब यहाँ पर 300 है, ये बढ़ के बनने वाला है 525। एंड जो प्रीमियम बैटल पास है ये शायद सेम रहेगा, लेकिन एक नया एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप थ्री प्रीमियम बैटल पास को खरीद पाओगे, तो उसका प्राइस 250 ऐड होने वाला है। मतलब अभी अगर 100 है तो 250, मतलब 350 हो जाएगा थ्री प्रीमियम बैटल जो पास है, ठीक है? तो गाइज ये है जो रेट पासेस का अपडेट। अभी गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ ये अपडेट में जो नया चेंजेस आया है। तो गाइज आपको पोके कॉइन से ये रेट पासेस को लेना है कि नहीं लेना है, एंड गाइज आप फ्री में कैसे रेट पासेस को कलेक्ट कर सकते हो वो भी मैं वीडियो में अभी बताता हूँ, वीडियो को देखते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप पोके कॉइन को छोड़ के अगर आप फ्री में रेट पास लोगे, तो गाइज मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमें डेली एक रेट पास मिलता है जो है नॉर्मल रेट पास। जब भी हम कभी भी कोई एक मतलब ये जो है जिम है उसको स्पिन करते तो हमें डेली एक नॉर्मल रेट पास मिलता है, लेकिन वो एक ही आपको मिलेगा। लेकिन गाइज अगर आप फ्री में जो प्रीमियम, ये जो प्रीमियम जो बैटल पास है एंड रिमोट पास है, इसको अगर लेना चाहते हो तो आपको कैसे क्या करना है, ठीक है?
तो सिंपली आपको जाना है जो स्पेशल रिसर्च है वहां पर आप जाओ। यहां पर देखो एक स्पेशल रिसर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहां पर गाइज अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मिशन नहीं है जो मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन गाइज यहाँ पर बहुत सारा ऐसा मिशन रहता है जहाँ पर आपको प्रीमियम बैटल पास मतलब मिशंस कंप्लीट करने के बाद ही तुरंत मिल जाता है। तो गाइज आपको फर्स्ट फोकस करना है ये जो मिशंस होता है जहाँ पर आपको प्रीमियम बैटल पास मिलेगा वो मिशंस को आप जल्दी से कंप्लीट कर लो। और देखो एक नया ऑप्शन आया है फील्ड रिसर्च में जो अपडेट के बाद आएगा। तो गाइज देखो फील्ड रिसर्च में आपको क्या मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो टिकट, तो ये डेली हमें टिकट मिलता है एंड 7 दिन बाद हमें क्या मिलता है रिसर्च ब्रेक थ्रू जो अभी दिखाता हूँ। देखो गाइज ये ऐसा एक बॉक्स रहेगा, ये बॉक्स में आपको मुझे और एक स्टैम्प को कलेक्ट करना है। तो डेली अगर आप स्टैम्प्स को कलेक्ट करोगे तो 7 दिन बाद जाके आपको ये रिसर्च ब्रेक थ्रू का बॉक्स मिलेगा। और गाइज यहाँ पर देखो क्या मिलता है, स्टारडस्ट मिस्टीरियस आइटम एंड पोकेमॉन यहाँ पर मिलता है, लेकिन एक नया ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा जहाँ पर आपको मिलने वाला है रिमोट रेड पास। हाँ गाइज आपको मिलने वाला है रिमोट रेड पास, ये नया अपडेट के बाद आएगा। तो ये देखो फ्री में हमें दो वे मिल चुका है, एक है आपको स्पेशल रिसर्च को कंप्लीट करना है, सेकेंड फील्ड रिसर्च को भी कंप्लीट करना है, तो वहां पर आपको मिलने वाला है ये जो रिमोट रेड पास। लेकिन गाइज रिमोट रेड पास हम सिर्फ 3 इन्वेंटरी में स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब ये जो आइटम का ऑप्शन है यहाँ पर आप 3 रिमोट रेड पास को कलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप 21 डेज लगातार स्टैम्प्स को कलेक्ट करोगे तो आपको 3 प्रीमियम जो प्रीमियम नहीं मतलब रिमोट रेड पास आपको मिलेगा। लेकिन गाइज अभी एक क्वेश्चन है, अगर आप 3 को कलेक्ट करोगे तो क्या आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे? हाँ कर पाओगे। 3 को आपने कलेक्ट कर लिया 21 डेज प्ले करने के बाद, तो अभी आपने मान लिया कि अभी आप कोई एक लेजेंडरी पोकेमॉन का रेड कर रहे हो रिमोट रेड पास को यूज़ कर, अभी आपका 3 रेड पास कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपने 3 रेड कर लिया, उसके बाद भी आप पोके कॉइन से खरीद सकते हो 3 रिमोट रेड पास को भी। लेकिन गाइज यहाँ पर भी एक कंडीशन है, आप डेली 5 रिमोट रेड पास को यूज़ कर पाओगे, मतलब 5 रेड आप कर पाओगे रिमोट रेड पास को यूज़ करके। लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेट है, अगर ऐसा कुछ इवेंट आया लाइक जैसे कुछ दिन पहले जो प्राइमल रेड आया था, तो ऐसा जब इवेंट आएगा तब ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप 6 से 7 यूज़ कर पाओगे। लेकिन नॉर्मली आप नॉर्मल डे को अगर आप देख के चलोगे तो आप 5 रिमोट रेड पास को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज़, मान लो कि आपका 21 डेज कंप्लीट हो चुका है, 3 आपको रिमोट रेड पास मिल भी चुका है, तो गाइज उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको जो मिलेगा वो है प्रीमियम बैटल पास। तो गाइस आपको क्या करना है, 3 रिमोट रेड पास अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप उसको स्टोर करके रखो, और गाइस तभी शुरू कर दो मिशंस को कंप्लीट करना जो फील्ड रिसर्च में मिलता है। क्योंकि जो बैटल पास हमें मिल प्रीमियम बैटल पास जो ग्रीन कलर में होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा करके यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज सिंपल ये जो फंडा है इसको यूज़ करो, क्योंकि गाइज मैंने जो कहा जुलाई अगस्त में जो गोफेस्ट होने वाला है वो बहुत ही मस्त होगा, वहाँ पर आपको भर भर के अच्छा अच्छा लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिलेगा रेड में। तो अभी से आपको रेड पासेस को कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और एक चीज़ गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जो रिमोट रेड पास है वो किन लोगों को लगता है? रिमोट रेड पास स्पेशली लगता है जो लोग स्पूफ नहीं करते उन लोगों के लिए, जो स्पूफ करते हैं उन लोगों के लिए रिमोट रेड पास का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप स्पूफ करके कोई भी लोकेशन में आसानी से जा सकते हो। तो आपको टारगेट रखना है जो हमें प्रीमियम बैटल पास मिलता है उसको कलेक्ट करना है। आप पोके कॉइन से उसको परचेस कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड गाइस सिंपली आपको स्पेशल रिसर्च एंड ये जो फील्ड रिसर्च में जो 3 हमें मतलब रिमोट रेड पास मिलता है उसको जल्दी से कंप्लीट करो, फिर जाके आप कलेक्ट कर सकते हो प्रीमियम बैटल पास। क्योंकि 3 अगर आपके पास स्टैक हो गया प्रीमियम रिमोट पास का, तो आप प्रीमियम बैटल पास को तब से आराम से कलेक्ट कर सकते हो। तो प्रीमियम बैटल पास को आपको टारगेट में रखना है, उस बैटल पास से आप कोई भी जिम में रेड कर सकते हो। तो गाइज यही था वीडियो, नया अपडेट भी मैंने आपको बता दिया, और आपको जो करना है अभी से मिशंस कंप्लीट करना शुरू कर दो, और प्रीमियम बैटल पास अगर आप स्पूफ करते हो तो प्रीमियम जो बैटल पास है उसको जल्दी से कलेक्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि गो फेस्ट में बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन्स आने वाला है। तो गाइज यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक तो आपको जरूर करना है लेजेंडरी पोकेमॉन्स के लिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।